ये जो पीछे आपको भाई साहब की तस्वीर दिख रही है, इनके बारे में कुछ बताने की तो ज़रूरत है नहीं, कल से सारा मामला आप जानते ही होंगे। हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि कल भाई साहब ने खाना नहीं खाया था जेल में। सारे मीडिया चैनल, सारे टीवी वाले, सारे अखबार वाले, वेब वाले, सब ने ये खबर चलाई कि सलमान खान ने खाना नहीं खाया। सलमान खान को दाल रोटी मिली, सब्जी मिली, पता नहीं क्या क्या मिला। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी बात बताऊंगा जो बात शायद आपको पहले से पता है लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा। जी हाँ, ये भाई साहब वो अकेले शख्स नहीं है जो कल रात में भूखे पेट सोए थे। इनके साथ कुछ और भी लोग थे जो भूखे पेट सोए थे, और वो लोग थे भारत की 20 करोड़ जनता, जो आज भी इस डिजिटल इंडिया के दौर में भी 20 करोड़ जनता भूखे पेट सोती है, भूखमरी से मरती है। एक तरफ सरकारी गोदामों में हजारों टन, लाखों टन अनाज सड़ रहा, ऐसे फेंका हुआ है, और दूसरी तरफ इन भूखे नंगे बच्चों के पास खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं है। यह सब मैं आपके सामने कोई बकैती नहीं कर रहा हूं, मैं इसके पीछे आंकड़े भी बताऊंगा। आज से 3 साल पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें खुलासा हुआ था कि 2015 में भारत भूखे देशों की लिस्ट में 80वें नंबर पर था, फिर 2016 में वो 90 नंबर पर पहुंचा, और 2017 में 119 देशों के बीच भारत 100वें स्थान पर था। अब आप सोच रहे होंगे कि रैंक बढ़ रही है तो भारत ने कुछ ग्रोथ किया होगा, प्रोग्रेस किया होगा, लेकिन आप गलत हैं। यहाँ पे रैंक बढ़ने का मतलब भूखमरी बढ़ना होता है। भारत में आज भी 20 करोड़ 50 लाख लोग रोज भूखे सोते हैं, खाली पेट सोते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा में हमारे पूजनीय नेताओं ने कुल मिलाकर 1 साल में 3 करोड़ रुपए से ऊपर की चाय पी ली, और एक तरफ हमारे भूखे गरीब बच्चों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। एक तरफ कटरीना कैफ सिद्धि विनायक मंदिर में जाके सलमान खान के लिए दुआएं मांगती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बचा नहीं पाई। अगर हम में से मिलकर किसी एक ने भी उन भूखे बच्चों के लिए दुआ मांगी होती, या कोई छोटी सी पहल की होती, या सरकार ने कुछ किया होता, तो आज भारत का स्थान इस ग्लोबल इंडेक्स में काफी बेहतर होता। हम चीन से अपना मुकाबला करते हैं, हा? अरे अगर सच्चाई देखी जाए तो हम चीन के आसपास भी नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। 3300 स्थान पर चीन और हम 100वें पे। हमारा मुंह उस लायक नहीं है कि हम चीन से बराबरी कर सकें। और जब तक इस देश में ऐसे नेता हैं, ऐसा सिस्टम है, मुझे तो लगता है यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही रहेगा। दोस्तों, ये खबर आपको मुख्यधारा का कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी अखबार या कोई भी वेब पोर्टल नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो TRP की रेस में भाग रहे हैं और हमें आपका विश्वास जीतना है। तो ऐसे ही विश्वसनीय खबरों के लिए बने रहें lokmatnews.in के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा YouTube चैनल, और लगे हाथ फेसबुक पेज भी लाइक कर दें। अपने वरिष्ठ सहयोगी वकार अहमद के साथ मैं गौरव मिश्रा, lokmatnews.in।